हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, अक्लमंद बिल्ली। कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी दादी से, नानी से, और कहानियां हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। इस कहानी में भी हम ये सीखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौके का फायदा उठाने के लिए, अपनी किस्मत संवारने के लिए झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हटते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं और अवसर का लाभ ही नहीं उठाते। तो ऐसी ही एक कहानी हम आपको बता रहे हैं कि श्रीकांत राउत राय द्वारा ये लिखी गई कहानी है, जिसमें एक बिल्ली है, एक नेवला है, गिद्ध और बाज, चार पात्र हैं इस कहानी में। बिल्ली कैसी है कि ऐसे अवसरवादी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो किस्मत से मिले अवसर का लाभ उठाने के लिए दूसरों से झूठ बोलने में नहीं चूकते। नेवला, गिद्ध और बाज ऐसे लोगों के का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और अपने हाथ आए अवसर को गवा देते हैं। तो इस कहानी में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। कहानी में एक बिल्ली को मछली की बड़ी सी मुंडी मिलती है, जिसे खाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अभी वह उसे खाने के लिए सोच ही रही होती है कि इतने में एक नेवला वहां आ जाता है। बिल्ली नेवले से मुंडी के जादुई होने का बहाना बनाकर बिना हिले डुले बैठी रहती है। नेवला भी बिल्ली की बातों में आकर मुंडी को ताकता हुआ बैठा रहता है। तभी एक गिद्ध और बाज वहां आ जाते हैं। वे भी मुंडी खाना चाहते हैं, लेकिन नेवले की बात पर भी वो भी विश्वास कर लेते हैं। अब बिल्ली सबको मुंडी के राक्षस बनने की बात कहकर डराती है और डराकर सबको वहां से ऐसे भगाती है कि वो तीनों ही रफू चक्कर हो जाते हैं और आराम से अंधेरे कोने में बैठकर बिल्ली जो है वो मछली की मुंडी को खा जाती है। तो क्या सीखा आपने इस कहानी में कि हमें दूसरों की बात को सुनकर ये सोचना चाहिए कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं ये हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, और हम उस सच्चाई को जाने बिना वहां से उठकर नहीं चले, बल्कि उस सच्चाई को जानने के लिए लगातार कोशिश करें और किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें कि किसी ने कहा और हम मान गए। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए ताकि आपको कहानी विधा समझ में आए। चलिए तो अब ज्ञान कोश में हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को ध्यान से पढ़ते हैं। मुंडी शब्द बार बार कहानी में आया, मुंडी माने सिर। लालसा, लोभ का मतलब क्या है, इच्छा, कामना, लालच। गौर से निहारना, ध्यानपूर्वक देखना। सन्नाटा, शांति। चौकन्ना, सतर्क होना, सावधान होना। आफत, मुसीबत। मोह, प्रेम, ममता। फौरन, तुरंत। झुरमुट, पौधों, पत्तों, डालियों का घेरा। निकम्मी, अयोग्य, जिसके पास कोई काम ना हो। तो बच्चों अब इस कहानी को आप एक बार ध्यान से अवश्य पढ़िए।